नहीं हो रही है, देखिए सख्त भी है नरम भी नहीं हुआ है। अगर क्यारी में रहता तो नरम हो जाता, जैसे प्याज आलू नरम हो जाते हैं अगर क्यारी में ज़्यादा देर रखो तो नरम हो जाते हैं, अगर इनकी जड़ें भी नहीं हो, नरम भी नहीं हुआ, सख्त है अभी तक कुछ मुझे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आगे कोई नई वीडियो के साथ। जैसे कि दोस्तों व्यू पर आते साथ ही हमें अपनी क्यारी को देखना होता है और हमारी क्यारी में फूल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह उग रहे हैं धनिये, और इसमें भी शायद उगने वाले हैं, कैसी लग रहा है कि उड़ने वाले हैं। और यहाँ का लहसुन, अबे लहसुन ही गायब हो गया, यहाँ पर एक लहसुन था, लहसुन लगाया था मैंने। ओहो लहसुन तो ये रहा, सारा लहसुन ही टूट गया यार। अब देखते हैं ग्रो होता है या नहीं होता ये लहसुन, लहसुन तो टूट गया। चलो कोई बात नहीं, अभी हम आगे पीछे देख लेते हैं, और ये भी सही है थोड़ा साइड से रख देते हैं, ज़्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए इसको, ठीक है छाँव में, और बाकी सब कुछ ठीक है। इसको भी छाँव में रख देते हैं, ये रहा इसको भी छाँव में, ठीक है इसको भी छाँव में रख दिया है। अभी हम लोग दूसरी क्यारी की तरफ चल लेते हैं, हमारी दूसरी क्यारी में तो लहसुन अच्छी तरह ग्रो हो रहा है और बाकी सब भी अच्छी तरह ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर क्या निकला है, इतने ज़्यादा वाह माशाल्लाह, इतने ज़्यादा धनिया ग्रो होना शुरू हो गया इस क्यारी में तो माशाल्लाह। और इधर लहसुन भी माशाल्लाह ग्रो हो रहा है अच्छा खासा माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ग्रो होगा, और ये साग भी ग्रो हो रही है माशाल्लाह, वो भी ग्रो होगी। और अब क्या कर सकते हैं, करते पानी भरते तो पानी भर दिए, अब बारी है पुदीने की, ये पुदीना इसको भी दे देते हैं अच्छा खासा पानी। चलो चलो पानी मिलेगा इतनी देर बाद उन लोगों को, जो सूखे फूखे हो गए थे, ये अच्छा खासा पानी के बाद इसको इसको अच्छा खासा पानी, उसके बाद इसके अंदर इसको लहसुन वगैरह को, बाकी इसको देखें ऐसा करते दोबारा पानी भरते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो पानी भर दिए, अभी इसके अंदर की बारी सही से पानी देने की, ये देने देने जल्दी से ग्रो हो जाओ तुम लोग भी। ये देखें इसको भी दे देते साइडों पे, इसको भी दे देते, ये देखें ये देखिए दोस्त अच्छा खासा पानी दे दिया, ऐसा करते दोबारा पानी करते फिर आप सुनते तो पानी भर दिया। अभी इस कैन को सही से लेने की बारी है, इस कैन को सही से लिख दिया था लेकिन आधा हिस्सा रह गया था, ये और हिस्सा यहाँ पर भी अच्छा खासा पानी, यहाँ पर साइडों पे भी, ताकि यहाँ से चूंटियाँ वगैरह नहीं आएगा, ठीक है चूंटियाँ थोड़ी कम भी तो होंगी, शुगर चूंटियाँ कम होंगी। और उसके बाद इसको सबको बहुत तेज़ गर्म होता है तो इसको देंगे, देखिए देखिए दोस्तों पानी दे दिए, थोड़ा सा और पानी बचा है इसको ही दे देते हैं, ऐसे करते हैं दोबारा पानी भरते फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों पानी भर दिए, अभी इसके बारी है, इसके आगे में पहले लहसुन फिर ये फिर साइड है, फिर इसके बाद ये ठीक है, इसके बाद ये अच्छा खासा पानी, बाकी बचा हुआ पानी वगैरह को दे देते हैं। इधर है तो ये रहा, दोबारा पानी भरते फिर आपसे मिलते हैं। पानी भर दिए, एलोवेरा की बारी, दे दिए अब इसको रखते हैं फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों पानी पानी दे के फारिग हो गए हैं, इस क्यारी को भी पानी दे दिया है और इस क्यारी को भी पानी दे दिया, धूप बहुत तेज़ है आज तो। हाँ ये देखें क्यारी में क्या है, ओफ ओ आलू भी तक है, लो आलू अभी तक जिंदा है ये आला, जैसे कि आपको याद होगा बहुत पुराना आलू है ये, हमने बोला चलो इस चीज़ को ज़मीन में डाल देते और अभी तक जिंदा है ये माशाल्लाह माशाल्लाह। और कुछ ग्रो हुआ और कुछ ग्रो हुआ हो
नहीं यार, इस पे तो कुछ जड़ ही नहीं आ रही, फायदा नहीं हो रहा। देखे आलू हमने दाल तो दिया था, एक आलू निकला था उससे, फिर आलू खराब हो गया था जैसा कि आपको पहले से याद है, तो हमने उसको इसी ज़मीन में डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर तो अभी उग रहा ही नहीं है। नहीं हो रही, देखे सख्त भी है, नरम भी नहीं हुआ है। अगर क्यारी में रहता तो नरम हो जाता, जैसे आपको याद है आलू नरम हो जाते हैं अगर क्यारी में ज़्यादा देर रखो तो नरम हो जाते हैं, अगर इनकी जड़ें भी नहीं हो। नरम भी नहीं हुआ, सख्त है अभी तक कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक और भी इसके साथ डाला था तो कहीं कहाँ गया, वो भी कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पर डाला था, लेकिन पौधे ख़राब हो जाएंगे अगर बीच अंदर ग्रो हो रहे होंगे तो, इसने भी हम छेड़े नहीं है इसके साथ। इस पर डाल दिया वापस से, सारी मिट्टी डाल देते हैं इस पर, और ये लहसुन ग्रो नहीं हो रहा, और धनिया तो हमारा माशाल्लाह ग्रो हो रहा है, इसको इसके साथ बांधते हैं। चलो भाई तुम भी ग्रो होना शुरू हो जाओ इसके साथ साथ, तो तुम्हें जहाँ तक जाने जाओ ग्रो हो जाओ। ओफो क्यों नहीं हो रहा, बन जा इसके साथ, चलो छोड़ो बाद में बांध देंगे, बन रही है और ऊपर से ग्रो ही नहीं हो रहा वो दोस्तों, आज इतने कर लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वो भी ग्रो नहीं हो रहा, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।